खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर जंगल के पिपरहिया टोला में 3 अप्रैल 2021 दिन शनिवार के दिन के 2:30 बजे घर में आग लग जाने के कारण सामान नकदी अनाज समेत रिहायशी घर जलकर खाक हो गया, जिसमें काफी क्षति हुई। बता दें कि परिजनों का कहना है कि घर में लगे विद्युत कनेक्शन के तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण दिन में लगभग 2:30 बजे के करीब आग लग गई। उमेश पुत्र सज्जन हरिजन के घर में लगी आग में घर पर केवल पत्नी तथा 6 बच्चे ही थे, जिनकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक ही है। छोटे छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में उमेश की पत्नी घर से कोई सामान या कीमती वस्तुएं नहीं निकाल पाए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गई तथा एक बच्चा व एक पशु भी आग की आह से आहत हो गए। वही मजदूरी करने गए उमेश जब शाम के समय घर आ रहा था कि ग्राम में घुसते ही घर जलने की सूचना पाकर भागे भागे घर पर आया तो देखा कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है। उमेश को देख पत्नी और बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। यह देख उमेश हक्का बक्का हो गया। ग्रामीणों के समझाने बूझने पर स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। ग्रामीणों ने बताया कि घर में लगे आग का लपट देखकर हम सभी दौड़ पड़े। बहुत प्रयास करने के बाद आग पर काबू तो हम लोग पा गए, लेकिन आग की चपेट में आने से कई युवकों के पैर से लेकर हाथ तक झुलस गए। ग्रामीणों ने फायर सर्विस को आग लगने की सूचना दे दी थी। सूचना पाकर फायर सर्विस का गाड़ी मौके पर पहुंची। उससे पहले ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीण व क्षेत्रीय लोगों ने उमेश को समझाते हुए जितना हुआ उतना सम्मानजनक आर्थिक मदद किए। घर कहाँ है आपका? रामपुर जंगल। अच्छा, यह आग कैसे लगी है? शायद बिजली से लगी है श्रीमान। बिजली शॉर्ट सर्किट हो गया है? क्या हुआ है हमको? अच्छा, आप थे यहाँ पे? नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं देहात से। अच्छा, आए हैं तो क्या सुने हैं यहाँ पे? यही सुने हैं कि बिजली से आग लगा है, सारा घर जल गया है। जला हुआ देख रहे हैं अभी, तुरंत 2 मिनट हुआ हमको आने। क्या क्या जला है? सारा धन जल गया, कुछ नहीं बचा, हमारा शरीर बचा है बस। कोई बच्चे उच्चे नहीं जले? बीवी जली है। बीवी जल गई है आपकी? और कुछ जल नहीं, बता दिया। थोड़ा सा जली है कि पूरा जली है? हल्का ही है, दाहिने अलग साइड जला है। हाँ, यहाँ पे मतलब जो नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ होगा? सुनान है, अब तो अंदाज हम बाद में लगा सकते हैं। अभी तो हमारा कुछ था, समझे नहीं हम क्या खा सकते हैं। घर में क्या क्या था? सारा हमारा प्रॉपर्टी यही घर था, हमारा दूसरा कुछ मतलब नहीं था। क्या गहने थे? गहने और अनाज, पैसे, कपड़ा, बिस्तरा, कुछ नहीं बाकी था। जितना हमारा यूज करने वाला था सारा था, पासबुक, बैंक का पासबुक वगैरह सारा कुछ जल गया। जितना डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जल गया, सब कुछ नहीं बचा। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए थे आप? जी बाबू बता रहे थे कि दिए थे सूचना। फायर ब्रिगेड आई थी 2 घंटा बाद? आई थी। रात की सामग्री मिली है? अभी तो नहीं श्रीमान, अभी तो आ रहे हैं, 2-3 मिनट हुआ। किसी प्रकार का सहायता? साग सब्जी अपन चावल किन के लिया दे रहे हैं सहायता, 500 रुपया। नहीं और कोई सहायता? दूसरे लोग नहीं आए थे? एक भैया और आए थे, बबलू, बबलू भैया कटिया से। विजय भैया रहा है? विजय ठीक। साग सब्जी ले मलैया घर रहने वाली हूँ। नाम है आपका? जयचंद विश्वकर्मा। घर कहाँ है आपका? रामपुर जंगल है। अच्छा, यह जब आग लगी है तो आप लोग देखे हैं तो क्या किए हैं? हम लोग शोर सुन करके दौड़ कर आए हैं लोग, और झुक मिलकर बचाए हैं लोग, आग को बुझाया गया है। कोई सामान नहीं निकाल पाए हैं आप? सामान तो कुछ नहीं निकाला गया था, चारों तरफ आग पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था, अपने आगोश में ले लिया था। उसके बाद आप लोग आग बुझाए हैं, कुछ सामान निकाल नहीं पाए हैं? सामान नहीं निकाल पाए हम। कोई जला वाला कोई नहीं? थोड़ा सा जो बीबी को जो है हल्का फुल्का, पशु 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 को जो है थोड़ा सा आ लगा है, आ लगा है। और एक जीतन नाम का लड़का है, उसको जो है उसके आगे जो है उनका हाथ जल गया। एक लड़का सिलेंडर निकाल रहा था, उसका हाथ जल गया है। मतलब इसमें बुझाने वाले लोग भी जल गए हैं? हल्का फुल्का कई लोगों का हाथ।